सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द कलम जोन। भाई स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। कैसे हो आप सभी? तो आज हमारे साथ में हमारे बड्डे भाई, जिन भाई का नाम है लूसीफर, एंड भाई की ईपी इनकमिंग है। तो इनकमिंग भाई को ऐसे इग्नोर करना जैसे एक्स आपको करती है, ठीक है? तो भाई भाई ईपी आई है कर्मा भाई की, और उसमें एक ऑफिशियल म्यूजिक वीडियो है जो कि रफ्तार भाई के साथ कोलैबोरेशन में ट्रैक है, जिसके लिए मैं एक्साइटेड हूँ और भाई भी एक्साइटेड हो क्या पेटीएम पर? हाँ भाई, भाई मैं भी फुल एक्साइटेड, भाई फुल एक्साइटेड, ये लेट्स गो भाई। एक्चुअली भाई को ने जबरदस्ती बैठा दिया, ठीक है? तो भाई गाने का नाम है करता क्या है। हाँ, गाने का नाम है भैं करता क्या है तू, लाइक मम्मी हमसे पूछती रहती है करता क्या है, पैसे कहाँ है, करता क्या है, वो वाला सीन है। बाकी ऑफिशियल म्यूजिक वीडियो तो लेट्स गो, देखता है क्या सीन है क्या नहीं। मैं ये देखना चाहता हूँ कि कितनी बड़ी प्रोडक्शन है, क्योंकि बहुत टाइम बाद कर्मा अपनी और इस गाने का जो प्रोडक्शन है वो अपने भाग भाई ने किया है, ठीक है? तो मजा आने वाला है, लेट्स गो, देखता है क्या। मैं वीडियो प्रोडक्शन की बात करूँ कि कितना ग्रैंड वीडियो कर रखा है, क्योंकि जो कश्मीर वाला तो बहुत ही ग्रैंड वीडियो था। तो लेट्स गो भाई, आज मैं अपने ये पुराने नॉस्टैल्जिक वाले हेडफोन्स पहनूंगा जिसमें मैंने 1-1.5 साल अपने यूट्यूब पे वर्क करा, ठीक है? सो भाई फालतू बातें नहीं करते, सीधा रिएक्शन वीडियो स्टार्ट करते हैं और मजा आने वाला है, क्योंकि आज अपने साथ भाई भी है तो थोड़ा डिस्कशन वगैरह बढ़िया से होगा, डिबेट वगैरह चलेगी थोड़ी। सो लेट्स गो स्टार्ट करते हैं, रिएक्शन वीडियो स्टार्ट करते हैं गाइस राइट नाउ। ये मिंटा क्या कर रहा है भाई कोने में? काले भाई के जो ड्रिप चेक है ना भाई, भाई मेरे को तो ऐसा लग रहा है पैराशूट पहन रखा है अभी खोल के, और बैंटन वाली आवाज आएगी उस एलियन की, भीग झील भाई पर कितना बढ़िया विजुअल नहीं दिखा रखा कि नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड भाई, मतलब नहीं है, हम अपने जगह है, चलो भाई वॉच। ये सोचते क्या सोच के लिखता है, लड़का बहुत सही लिखता है, शब्द कोश से नहीं लिखता, शब्द खोज के लिखता है, पेपर नोट्स में जो कोट्स लिख। क्या थेरेपिस्ट बने हुए रफ्तार? क्या क्या बोला? शब्द कोश में, शब्द कोश से नहीं लिखता, सब सोच के लिखता है भाई। शब्द कोश से नहीं लिखता, शब्द खोज के लिखता है, पेपर नोट्स में जो कोट्स लिखे, नोट्स में बिकते हैं, जिसने मिलके दिल तोड़ा था उसको मिलने को तड़पाए लड़का। रोलिंग पेपर ये तो रोज की चर्चा है, कितनी पीटे चोदी पूछ, कहती टाइमिंग बहुत तगड़ा है लड़का। फक योर टॉप थ्री सबको सरप्राइज करता है। हाँ, मतलब वही चलता रहना, मैं वन हूँ, मैं बेस्ट हूँ, वो फलाना ठिकाना। लिरिक्स वगैरह है क्या भाई? नहीं भाई, कोई बात नहीं, पर थोड़ा पीछे से रहना, अभी मेरे को एक बीट स्विच साउंड करा अभी आके पैन हुआ जो। हाँ, नहीं ब्रर करके वो आगे हो, वो आगे हुआ। मैं चौर रहे चौथी में नॉलेज नहीं हिप हॉप की, वेल आई कैन बी कॉर्नी बट नेवर कैन बी ऑफ बीट, सो फक यू व्हेन योर टॉप थ्री को सरपास करता ये पूछे करता क्या है। ये पूछे आखिर करता क्या है लड़का, ये सोचते कि करता क्या है, ये सोचे आखिर या मैं बताता वो करता क्या है, गोस्ट राइटिंग थोड़ी है, डरता क्या है लड़का रात रात भर, गोस्ट राइटिंग थोड़ी है, डरता क्या है।
या मैं बताता वो करता क्या, गोस राइटिंग थोड़ी है डर तक है, लड़का रात रात भर भर घर से चाय खाए दाल भात साथ और घर की चाय पशु के साथ आठ बार यार लटका रखा किसी को। ये मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि लाइक कर्मा का एक फेस वो था, मतलब मतलब एक होता है हम एंजल साइड, एंजल साइड थी और ये डेविल साइड आ गई, तो अपने मैं बता रहा हूँ ये क्या करता है। ये भी है घोस्ट राइडिंग, हम लॉन्डे रहते ना कभी इमो रहते फिर बोलते हैं एक मास्क चोट देंगे भाई। नहीं वो जिस हिसाब से बार स्पीड कर रहे लाइक मैं बताता हूँ ये करता क्या है, घोस्ट राइडिंग थोड़ी करता है डरता थोड़ी राइटिंग थोड़ी है डरता क्या किसी को लटका रखा हुआ है। मैं बताता वो करता क्या है, घर का दाल भात और घर की चाय, घोस्ट राइटिंग थोड़ी है डरता क्या है, लड़का रात रात भर भर घर से चाय खाए दाल भात साथ और घर की चाय पशु के साथ, आठ बार सर चढ़ता नहीं कर मकान फट साम्राज्य बढ़ता जाए चलता खर्चा नहीं गाँव बसता नहीं ये मांग रिप्लाई बीच में बढ़ता नहीं उठ के साल साथ बात चले दर पे है जो बार साइड बाय फट चढ़ना पैक कर। भाई 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 एक स्टोरी बताओ, सॉरी फॉर द पोस्ट किट शॉट भाई का मेरे को समझ नहीं आ रहा भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। कल ईपी वगैरह अनाउंस हुई ठीक है, और किट शॉट की तरफ से हमें स्टोरी पे फिर से पोकिंग देखने को ली कर्मा भाई को लेके। भाई पता नहीं है किट शॉट क्या कर रहा है, डिस्ट्रैक्ट नहीं डाला इनका सालों से, कब की यही कॉन्ट्रोवर्सी चलती आ रही है भाई मेरे को समझ नहीं आ रहा लिटरली क्यों। भाई कर्मा भाई ने बता दिया ना तुम लड़ते रहो फर्स्ट हो सेकंड हो थर्ड हो मैं साथ और घर की चाय पशु के साथ आठ बार सर चढ़ता नहीं कर मकान फट साम्राज्य बढ़ता जाए चलता खर्चा नहीं गांव बसता नहीं ये मांग रिप्लाई बीक में बढ़ता नहीं उठ के साल साथ बात चले दर पे है जो बार साइड बाय फट चढ़ना पैक कर्मा बार है बाय बार करता जाए दिस इज नेक्स्ट लेवल शिट गर्दन राइट स्मूथ साथ में डबल आर सुसाइड डोर स्टूडियो के तू नजर मार जब करे रैप। फिल्म भाई लॉस्ट फिल्म भाई बहुत क्रेजी, कितना प्यारा क्रेडिट दिया म्यूजिक वीडियो के अंदर तुम वो देखो लाइक स्टार्टिंग स्क्रीन में नहीं एंड स्क्रीन में नहीं, एक विजुअल है जिसमें गेट का टैग नाइस भाई नाइस नाइस विजनरी डबल आर सुसाइड डोर स्टूडियो के तू नजर मार जब करे रैप करना सुन के इनकी फटे चार जब करे रा रे रा गाने चार्ट्स पे रखता ये पूछे करता क्या है ये पूछे आखिर करता क्या है क्या करता है गाने चार्ट्स पे रखता है। Let's go crazy bhai fact karma sun ke inki phate char jab kare rare ra gaane charts pe rakhta acha 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 tare rare ra tab tab na karma ko provoke kiya tha kafi zyada logon ne ki ye kya kar raha hai bhai wahi gaana charts pe phata tha flex bhai bhai wo gaana dil ke kareeb hai flex bhai bhai flex bhai real flex flex crazy करना सुन के इनकी फटे चार जब करे रा रे रा गाने चार्ट्स पे रखता ये पूछे करता क्या ये पूछे आखिर करता क्या है लड़का ये सोचते कि करता क्या ये सोचे आखिर स्टैनिन की माँ को इज्जत देंगे इनको नहीं बकरी बनने बैठे जब शिट भाई व्हाट अ शाउट आउट ब्रो हां लेट्स गो बट भाई क्या विजुअल था ना ये। हाँ ब्रो एकदम से लाइक मैं ये देखा था कि रफ्तार भाई का ट्रांजिशन कैसे देंगे। हाँ लाइक वॉल्फ आ गया भाई क्रेजी स्टैनिन की माँ भाई क्या शाउट आउट है भाई। मेरे को ना एक चीज मैं आज बोल रहा हूँ भाई आपके वीडियो में कि भाई मेरे को लगता है रफ्तार भाई जैसा गाने अरेंज जो करता है ना अरेंज भाई रफ्तार जैसा भाई कोई नहीं है भाई। डीएचएस में उनका जैसा दिमाग चलता ना कि गाने को कैसे परोखा जाए कैसे अरेंज किया जाए नो वन कैन भाई। बस थोड़ा सा सट्टा खेलना बंद कर दे तो हमारा ऑडियंस का भी भला हो जाए और गाने वगैरह कुछ नए सुनने को मिल जाए। सो लेट्स गो भाई भाई कोई बात नहीं आप मेरे चैनल पे हो चलेगा चलेगा लेट्स गो भाई आगे बढ़ते हैं भाई ये विजुअल क्रेजी स्टैनिन की माँ को इज्जत देंगे इनको नहीं ओए नाइस स्टैनिन की माँ को इज्जत देंगे इनको नहीं बकरी बनने बैठे छपरी इनको देंगे विम को नहीं बकरी बनने ये भाई रफ्तार भाई यार बकरी बनने बैठे छपरी लेट्स गो भाई छपरी थिंक्स यू नो काले भाई आप मेरे को पिटवाओगे भाई को इज्जत देंगे इनको नहीं बकरी बनने बैठे छपरी इनको देंगे विम को नहीं फीचर ट्रैक टीचर जैसे ऐसे लिखा पोर्शे में ये खोजे होरोस्कोप ऐसे लिखा पोर्शे में भाई फ्लैक्स लेवल देंगे विम को नहीं फीचर ट्रैक टीचर जैसे ऐसे लिखा पोर्शे में ये खोजे होरोस्कोप और सोचे आज मेरा दिन तो नहीं भाई तेरा उलझा था बुद्धि में मुट्ठा था बुद्धि की शुद्धि तो छुट्टी पे किस्ती की कुश्ती है रिश्तों की पुष्टि में मुफ्ती ना मिलता मैं शब्दों की कुश्ती में जिंदगी बीती है पार कलिंदी की कूदा में भाई वो सब छोड़ो वीडियो में क्या क्या ही मेहनत कर रखी है भाई और ये लॉस्ट फिल्म्स भाई शाउट आउट टू लॉस्ट फिल्म्स भाई
one of the best hip hop ki videos bhai ye isliye keh raha hu kyunki ek na still frame nahi hai like movement chal rahi hai bhai हरजस भाई को यहाँ से ठरकी बंदा लेट्स गो भाई ये तो रेलेवेंट हो गया थोड़ा सा मतलब शर्मा घूमा गोल ठरकी बंदा जस्टिस मांगे जनता करते ट्रोल गानों में ये गुंडा घर पे डर का है माहौल बत्तीस कर दूं बाहर अच्छा भाई ये जो पार्ट है यू नो ओ भाई घर पे बंदे गुंडे ओ फक यार किसको बोला भाई भाई मैं नहीं कुछ बोल रहा भाई आई कांट नहीं भाई ये इन्होंने ऐसे रैंडम बोला है भाई ये बोला अनिपा जी के ऊपर ठीक है किसी को अच्छा लगे बुरा लगे स्ट्रेट अप कि लाइक हनीपा जी को मीम वायरल है ना सब क्या क्या बोलते हैं अपने मीम में नहीं बता भाई कि सबको ही सबकी फटी पड़ी कुछ काइंड ऑफ ऐसी बोलते हैं भाई ठीक है कि पूरा घर डर में है तो लेट्स गो कंटिन्यू करते हैं और टॉपिक पर ये बात बहुत जेनेरिक भी है कि सारे रैपरों में लागू होता है हर कलिंदी की कूदा मैं सिंधु मेरे बदे कबिंडी में रुस्तम है हिंदू में चुस्तु में हिंदी में मात्रा ना बिंदी तू आता ना गिंदी में स्मूथ कर्मा घूमा गोल डर की बंदा जस्टिस मांगे जनता करते ट्रोल गानों में ये गुंडा घर पे डर का है माहौल बत्तीस कर दूं बाहर मुंह का भर भाई ये अनिपा जी भाई ये पता क्या है वो उनपे वो नहीं आया था धमकी नहीं आई थी कि मार देंगे हनीपा जी को हाँ तो उन्हीं की तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हैं कि पूरा डर पूरा घर डर के माहौल में है तो उन्हीं को आया कि गानों में ये गुंडा घर पे डर का माहौल है गानों में ये गुंडा घर पे डर का है माहौल बत्तीस कर दूं बाहर मुंह का भर दूं ग्लोरी होल अब सोच शिट लेट्स गो भाई अब तो हनीपा जी के ही ऊपर है अब तो हनी सिंह के ही ऊपर है भाई हाँ भाई क्लाइंट बोलेगा क्या भाई देखो नो हेट टू एनी आर्टिस्ट बट हम यहाँ पे थोड़ा सा फन कर रहे हैं तो भाई देखो अनिपा जी के ऊपर शॉर्ट्स ही है ग्लोरी अभी उनका एल्बम आया अच्छा खासा जा रहा है चल रहा तो उसी के ऊपर भाई ये शॉर्ट्स है भाई कमेंट में बताओ तुम लोगों को कैसा लगा ग्लोरी कौन सा गाना अच्छा है और सही में अच्छा लगा या नहीं लगा और मैंने उस एल्बम पे रिएक्शन नहीं किया उसके ऑब्वियस रीजन पता है बिकॉज ऑफ टी सीरीज तो स्ट्राइक नीचे भाई स्ट्राइक पड़ी है भाई टी सीरीज जैसे मादर चोद नहीं है भाई कोई मादर चोद बोल सकते हैं आपके चैनल में हाँ मेरे को मोनेटाइजेशन बंद करना पड़ेगा लेकिन कॉपीराइट वैसे भी आना है बोल सकते हैं मादर चोद अरे नहीं भाई कहीं स्ट्राइक दे रहे हो हमारे नाम पे दे रहे हो भाई कट कर दे डर की बंदा जस्टिस मांगे जनता करते ट्रोल गानों में ये गुंडा घर पे डर का है माहौल बत्तीस कर दूं बाहर मुंह का भर दूं ग्लोरी होल अब सोचो करता क्या है इसका चर्चा क्या है बोले पर को इसका खर्चा इसको पर्चा जाए बनके मूरख समझा सबका सूरज चढ़ता कहाँ है टॉप थ्री सारे मेरे मेरा दर्जा क्या है सर ना खाए टॉप थ्री सारे मेरे सूरज चढ़ता कहाँ है टॉप थ्री सारे मेरे मेरा दर्जा क्या है सर ना भाई टॉप थ्री सारे मेरे मतलब ये मैंने ही कर रखा है टॉप थ्री वन टू थ्री आई एम पास दिस गेम वीडियो का कंसेप्ट ही है कि मेरा दर्जा क्या है कि तुम लोग लड़ते रहो मैं टॉप वन पे हूँ टॉप टू पे हूँ एमीवे बंटाई का सबसे बड़ा आर्गुमेंट क्या है या मेरे को ऐसा लग रहा है कि लाइक टॉप थ्री सारे मेरे की लाइक भाई के ही सारे भाई जैसे बादशाह भाई करण भाई कृष्णा भाई हो सकता है कर्मा इनका एक रफ्तार भाई की राइटिंग में कि डबल ऑन्टर बहुत मारते हैं कि एक ही लाइन के आप ये होते हैं कि इनके सारे दोस्त ही हैं दूसरा वीडियो का कंसेप्ट ये चल रहा है कि वन टू थ्री तुम लड़ते रहो हमारी रेस ही नहीं है भाई एक कमेंट आया मिंटा कैमियो एट बिगिनिंग वाज अनएक्सपेक्टेड भाई हम अकेले नहीं है फिर काले कब भाई देखो ये गाना गा कौन रहा है भाई वीडियो में तो लेट्स गो कंटिन्यू करते हैं सट्टा खेलता है पूछे करता क्या सट्टा खेलता है बंदे पूछे करता क्या सट्टा लेट्स गो भाई अरे भाई ट्रोल कर रहा हूँ ठीक है आई होप भाई रफ्तार भाई नहीं होंगे ऑफेंड तो लेट्स गो क्या है सर ना खाए ये पूछे या कि करता क्या है लड़का ये सोचते कि करता क्या है ये सोचे या कि करता क्या पॉज करने वाले क्या है ये तब शेडेड क्यों है ये गाड़ियां हैं रैप टाइप ऑफ गार्बेज या डंकयार्ड
क्रेजी भाई ट्रैक होता अपना ओवर, वो कुछ है क्या एंड में पता नहीं। सो भाई ट्रैक होता अपना ओवर, एंड ऑल ओवर ट्रैक की बात करें तो भाई मेरे को तो गांड फाड़ लगा भाई, हेडफोन हटा लो। अब आपको कैसा लगा, बाद भाई से रिव्यू लेंगे अपने ऑनेस्ट वर्ड। भाई गू लगाओ तो गू बोल दो भाई। भाई एक तो रफ्तार भाई जब भी कोई गाने में आते हैं ना भाई, मेरे को नहीं लगता रफ्तार भाई कभी मीडियोकर गाना देते हैं। मेरे जैसे नहीं है वो, ही गाने में कोलाब में आते तो वो खाते ही हैं कोलाब। ऊपर से कर्मा इज अ क्रेजी राइटर, लॉस फिल्म्स, भर्ग, मतलब दिस इज मेरे हिसाब से अब परफेक्ट बैंगर भाई। बहुत सुंदर गांड फाड़ गाना कि बजेगा मतलब गानों बीट गाड़ियों में बट भाई क्रेजी गाना भाई, क्रेजी गाना भाई। एंड भाई मतलब गानों में जो फ्लेक्स कर रखी है ना चीज़ों को लेके कि ऐसे अपनी पोर्श में लिखता क्या है, गाने चार्ट्स पे चढ़ा रखे और पूछा करता क्या है ये वो। मतलब मेरे को ना एक चीज लगी कि पानीपाजी की जो मिलियनेयर वीडियो आई थी ना उसमें अगर आप देखोगे ना रोल्स रॉयस सारी वो उसकी वो खड़ी है, क्या बोलते हैं रेंट वाली बीबीटी टाइप ऑफ, मतलब कोई ये रेंट वाली येलो कलर की प्लेट है। पर उसमें ना वो फील होता है कि भाई ये रेंट की गाड़ी है पता लग जाता है, पर इन्होंने इन्होंने जो भी बातें बोली है ना फैक्ट टू चेक टू चेक टू चेक टू चेक। और मेरा सबसे पता फेवरेट बार कौन सा था, स्टैनी इनकी माँ को इज्जत देंगे इनको नहीं, बकरी बनने बैठे ये छपरी। ओ भाई पर स्टैनी टैग बकरी बनने छपरी का ट्रोल भाई डाल दो भाई, पर स्टैनी तो खुद छपरी है काले कौ। बट भाई क्रेजी गाना भाई, क्रेजी गाना भाई, क्रेजी ट्रैक। आपको कैसा लगा भाई? मैं तो एंजॉय किया था, ऑफ कोर्स मेरे को बढ़िया लगा। एंड ऊपर से भाई कर्मा रफ्तार है, बट भाई मेरे को एक चीज समझ नहीं आई, रफ्तार भाई खुद से ये सवाल कैसे क्या क्यों कर रहे कि करता क्या है, स्टैक पे लॉग इन करता है दिन भर बैठ के और समय के साथ लाइव जाता है और पूछ रहे करता है। ठीक है भाई मजाक से साइड हट के, भाई ट्रैक वाज सो गुड सो क्रेजी, क्योंकि जो प्रोडक्शन भी हो रखा अपने भाग भाई का वो भी मतलब फट रहा है भाई कान में। हां भाई शाउट आउट टू भरत भाई जैसे। और लाइक मेन चीज है कि जो स्विच हुआ है गाने का, लाइक शुरू में कर्मा भाई आके अपने सॉफ्ट प्ले चल रहा होता है एकदम टोटल, देन फिर उसके आगे जो चीज है हार्ड कोर आती है, बंदा ऊपर से लटका रखा और कर्मा भाई का कैमरा प्रेजेंस। और एक चीज हमने ये देखा, याद देखा जब रफ्तार भाई स्टार्टिंग में दिखा रहे हैं ना, तो रफ्तार भाई के हाथ में दो घड़ी है, एक जो उन्होंने पहन रखी है। और अभी तुम कभी थेरेपी में लेने जाओगे ना तो थेरेपिस्ट टाइम चेक करता कि इतना घंटे का स्लॉट दे रखा ना, तो एक अलग से घड़ी भी है वो टाइम देने के लिए कि स्टॉप वॉच टाइम। तो भाई वीडियो का जो कॉन्सेप्ट उन्होंने वो बना रखा बहुत क्रेजी एंड भाई क्रेजी, मतलब वीडियो ले लो ऑडियो ले लो बार्स ले लो वर्सेस कह लो। और बाकी तो भाई वॉर्नर म्यूजिक का पैसा दिख रहा है। एंड द मेन थिंग ये गाना 3.5 मिनट का, क्योंकि आजकल हमें जितने भी कोलैबोरेशन ट्रैक देखने को मिलता है वो लाइक समथिंग 2:20, 2:30 इसके आसपास मिलता है, कि मजा भी नहीं आता कि हमें बंदा को सुनने को भी नहीं रहा। लेकिन यहाँ पे प्रॉपर जो है यार, ऑफ कोर्स दो भाइयों ने गाने बनाए तो वो खुल के और बढ़िया से ही बनाएंगे, कोई पेमेंट देके गाना नहीं बना। ठीक है तो यहाँ पे क्लाइंट को बीच में नहीं लाएंगे और वीडियो करेंगे यहीं पे। एंड बाकी आप बताना गाइस कमेंट सेक्शन में, आपको कहना कैसा लगा कैसा नहीं लगा। एंड हमने भाई फर्स्ट टाइम ट्राई करा कि मैं अपने बड़े भाई को लेकर आया और रिएक्ट किया, और आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। नहीं आई होगी तो भी कमेंट सेक्शन बता सकते हो, बस गाली मत देना। एक चीज बोलना चाहता हूँ भाई, मेहनत का काम तो है भाई कि भाई इतने प्रेशर में आके चीज़ें बोलना, और आप एक रियल रहते हो। मैंने बाकी रिएक्शन देखते लोग हो ये बोलते और बाद में गाली देते हैं, भाई टट्टी ट्रैक था ये वो फलाना भाई, मैं तो इन्जॉय करता हूँ मैं तो। मुश्किल काम तो है भाई, जिसको भी लगता है ना रिएक्शन लेना आसान होता है भाई। क्या बताऊँ, इसी बात पे सब्सक्राइब करके जाना जो भी अगर नई ऑडियंस देख रही है बाकी। यस इस वीडियो और भाई की ईपी कमेंट में जाके बोलो कि कलम जोन ईपी किधर है, रिकॉर्ड तो आप ही करवाओगे? हाँ भाई करवा दूंगा, जाओ भाई इंस्टाग्राम हैंडल पे ऐसी तैसी कर डालो, लेट्स गो। ठीक है सो यस भाई, अपने मिलते जल्दी अपने गानों के साथ अपनी सारी चीज़ों के साथ। बाकी इस वीडियो में अपना प्यार दिखाना, सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। बाकी इस वीडियो के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।